खुशी की बात है और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये ऐसा हुआ कि ऑफिशियल एंट्री मिल गई, जो कि मुझे मेरे लिए मुझे नेशनल अवार्ड तक पता था, फिल्म हिट होगी ये पता था, लेकिन इतनी कम बजट की फिल्म, गांव परिवेश को बताने वाली फिल्म ऑस्कर तक जाएगी, ये एक बहुत ही ईश्वरीय कृपा, चमत्कार। किरण राव जी जो डायरेक्टर हैं उनको धन्यवाद, आमिर खान जो प्रोड्यूसर हैं उनको धन्यवाद, साधुवाद, और सारे लोगों को जो मेरे साथ कलाकार रहे, वो सारे छोटे जूनियर बच्चे जो बहुत अच्छी एक्टिंग किए, तो बहुत अच्छा। राइटर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कितनी सुंदर कहानी कि एक बेटी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए धरती पर नहीं आती, या किचन में खाना बनाने के लिए, होम मेकर नहीं, एक बेटी ड्रीम मेकर भी बन सकती है, अपने सपनों को भी चेस कर सकती है। ये थॉट को ऑस्कर में पूरे विश्व में भारत को देखेगा, मोदी जी का जो सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सारी बातें इसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके अंदर, ये सारे थॉट को अब क्यों भारत इतना बड़ा बन चुका है, इस नए भारत को इस फिल्म के माध्यम से ऑस्कर में और पूरा विश्व इसको देखेगा। जो आपका कैरेक्टर था इसमें, जो आपने एक दरोगा का रोल किया था, उस कैरेक्टर के बारे में क्या है? वो मुझे मेरे जिंदगी में देखिए, हम बहुत ट्रैवल करते हैं, मेरे लाइफ में बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं, मेरी आदत है कि कुछ विपरीत टाइप का कोई व्यक्ति हमको मिलता है तो हम उसको पढ़ाई करना उस पर शुरू कर देते हैं, और ये दरोगा मुझे बिहार में शायद कहीं मिले थे, ये जो मनोहर मैं बना, और वो ऐसे पान खाते सब ऐसी बात करते थे, तो हम उनको रखे थे कि कभी मौका मिले, बड़े से बड़ा भी केस आए तो ऐसे ही बोलते थे, हाँ आओ बैठो बोलो, हाँ बहुत सुंदर है वे, हत्या हो गई अच्छा, डकैती अच्छा, तो मुझे लगा अरे यार ये कैरेक्टर बड़ा कमाल है, उनको पकड़े रखा और जब ये मौका मिला तो हम उनको बाहर निकाले अपने शरीर से, 500-700 लोग हमारे शरीर में रहते हैं एक ही वक्त में, तो उसमें से ये बाहर आ गए मनोहर और वो पसंद आ गया, और मैं 34 साल से इस विधा को सीख रहा था, वो 34 साल की विधा को महादेव ने अब सम्मान दिलवा दिया, अब पूरा विश्व देखेगा इस विधा को हमारे। क्या उम्मीदें ये डेफिनेटली जीतेगी, देखिए बेटियां पूरे ये नहीं कि सिर्फ भारत में कुंठित हो रही हैं, भारत में उनका पकड़ के ब्याह हो जा रहा है जल्दी, या माँ बाप जबरदस्ती कर दे रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में भी है, अफ्रीका में भी है, या यूरोपियन कंट्री में भी है, इटली में भी है, इटालियन परिवेश एकदम भारतीय मूल का ही है, वहाँ बेटी पैदा होती तो इतना प्रसन्न नहीं होते, बेटे पे बड़े प्रसन्न होते हैं, इटली में अगर आप जाते हैं, ऐसे मैं बहुत सारे देशों में मैं चूंकि घूमा हूँ मैं, तो मैं देखा हूँ कि वहाँ पे भी अभी भी महिलाओं को सेकंड पीछे रखते हैं, महिलाओं को फ्रंट में नहीं लाते, ये उन सारी महिलाओं की आवाज़ बनेगी, तो ये फिल्म को डेफिनेटली अभी ऑफिशियल एंट्री में पहुँच गई, इतनी सारी फिल्में बड़ी बड़े बजट की गई थी भारत से, उसमें मात्र 5 करोड़ की फिल्म, भाई कल्की से लेके अनगिनत बड़ी बड़ी फिल्में, एनिमल थी ये थी वो थी, अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में गई, उसमें ये मात्र छोटी फिल्म रवि किशन है उस फिल्म में, उसको चुनना ये बहुत ही बड़ा आज मेरे बिहार यूपी के बच्चों के लिए, पूर्वांचल मेरे भोजपुरिया समाज के लिए, भारत के उस सब गाँव के बच्चों को जो रवि किशन को अपना हीरो मानते हैं, उनके लिए बहुत ही गर्व का पल कि नहीं भैया की फिल्म हमारे लोग भी यहाँ तक ऑस्कर तक पहुँच सकते हैं। फिर आपकी सवाल आपसे था कि चलते-चलते इस फिल्म की कोई यादगार डायलॉग ऐसा जो आपको दिल को भाता हो? यह कि आप आज जो समाचार मिलल तो हम कहेंगे बहुत प्रसन्न है। क्या आप फिल्म के निर्माता और वैसे किसी से बात हुई? अभी हम किरण राव आप ही लोग से आजाद होंगे तब बात करेंगे, अभी फिल्म की अभी तुरंत हम आमिर खान साहब से और किरण राव जी से बात होगी, आमिर खान से बात करेंगे और सह कलाकारों से, कैमरामैन से बात करेंगे।